सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मोटरबुल का एक और वीडियो। भाई रोज की तरह आप लोगों को बलिनो गाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो यार उन भाइयों के लिए है, आप लोगों की बलिनो जेटा एंड अल्फा के बारे में। भाई आप लोग क्या रीजंस होते हैं भाई आप लोगों के कि आप लोग बलिनो के जेटा को ही प्रेफर करें, अल्फा पे ना जाएं, तो उन रीजंस की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 10 टू 11 लाख रुपीज या 12 लाख रुपीज के अंडर ये एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हैचबैक है, जो भाई अपने बेहतरीन इंजन और परफॉर्मिंग इंजन की वजह से फेमस है। और आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा हूँ, इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का फील आप लोगों को दिलवाती है। भाई जब भी आप इस कार को रोड पे चलाते हो तो आप लोगों को फील होता है कि आप एक परफॉर्मेंस इंजन चला रहे हो, एक ऐसा इंजन जो आप लोगों को एक अच्छी बीएचपी और एक अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है। सो भाई कुछ भाई होते हैं मेरे से कमेंट करके मुझे पूछते हैं कि भाई हम बलिनो का अल्फा लें या जेटा लें। देखो यार सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप लोगों का अच्छा खासा बजट है तो आप अल्फा पे ही जाएं, लेकिन मैं आप लोगों को अल्फा इसलिए कंसिडर नहीं करता हूँ बिकॉज वो इस सेगमेंट में, हैचबैक वाले सेगमेंट में, एक ओवर प्राइस पैकेज आप लोगों के सामने निकल के आता है जो वर्थ इट नहीं है। उस प्राइस रेंज में और भी गाड़ियां आप लोगों के बजट में हो सकती हैं या इस लिस्ट में हो सकती हैं 10-12 लाख रुपीस के लिस्ट में। तो भाई मैं सबसे पहले बात करता हूं अपनी जेटा की। आप लोग कहोगे यार आप जेटा ओन कर रहे हो तो इसलिए हमें सलाह दे रहे हो, नहीं भाई मैं उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बलिनो लेने वाले हैं एंड वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें बलिनो का जेटा या अल्फा कौन सा वेरिएंट हमें लेना चाहिए। तो भाई सबसे पहले और सबसे बड़ी बात करते हैं, आप लोगों को बलिनो के जेटा वेरिएंट में हर वो फैसिलिटी या हर वो फीचर्स मिल जाता है जिसके लिए आप लोग टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हैं, या एक तरीके से कह सकते हैं कि बलिनो के अल्फा वेरिएंट पे जाते हैं। आप लोग कहोगे यार कैसे मिल जाती हैं, हमें तो एचयूडी डिस्प्ले नहीं मिलती है, डायमंड कट अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, फॉग लैम्प नहीं मिलता है, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल नहीं मिलता है। तो भाई ये गलतफहमी आप लोगों के पास है। आप लोग एक मिनट के लिए प्रैक्टिकल लाइफ को देखिए कि आप लोग बलिनो के जेटा से अल्फा की तरफ जब कन्वर्ट करते हैं अपनी चॉइस को, तो वहां पे भाई बहुत से पैसे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने पड़ जाते हैं एक एचयूडी की, जो मुझे यूजलेस नजर आती है, प्रैक्टिकल मुझे नहीं नजर आती है। अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, कुछ भाइयों के पास अल्फा होगी, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्लान कर रहे हैं या बलिनो के अल्फा पे जाने की सोच रहे हैं। और भाई अगर अलॉय व्हील की बात करते हैं तो नो डाउट इस कार में आप लोगों को सिल्वर कलर या सिल्वर पेंटेड अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, जो कि यार फैबुलियस लगते हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ भाई, ये जो आप लोगों को अलॉय व्हील मिलते हैं इसकी जगह आप लोग टाइम के साथ साथ इसे अपग्रेड करके डायमंड कट भी इसमें डलवा सकते हैं जो आप लोगों के अल्फा में आते हैं, और उसके लिए आप लोगों को 1-1.5 लाख रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप लोगों को जेटा से अल्फा में जाने के लिए मैंडेटरी अमाउंट होता है। अगर हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो इस जेटा वेरियंट के पहले 2022 के लोट में, जो फर्स्ट लोट में जो कार्स आई थी, यानी कि पूरे ईयर में 2022 में, उसमें ऑब्वियसली आपको जेटा वेरिएंट के एएमटी में ही आपको हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल देखने को मिलता था। लेकिन भाई नया अपडेट है, ये कार मैंने मार्च में बाई करी है एंड मार्च में मेरे को भाई हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल के साथ ये गाड़ी मिली है। तो ऑब्वियसली प्रेजेंट में जो आप लोगों को कार मिल रही है बलिनो जेटा, उसमें ऑब्वियसली आप लोगों को हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल रहा होगा। अल्फा वेरिएंट में जाने के लिए छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज को अगर छोड़ देते हैं तो भाई बलिनो का जेटा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकलता है 10 लाख रुपीस में। बहुत बेहतरीन हैचबैक कार है भाई, 16 इंच के आप लोगों को टायर साइज देखने को मिलते हैं। विद अलॉय व्हील सिल्वर कलर के हैं, नो डाउट मैं आप लोगों की बात को एग्री करता हूं, लेकिन आप 32,000 रुपीज़ की एक छोटी सी अमाउंट खर्च करके इसमें भाई डायमंड कट अलॉय व्हील जरूर इंस्टॉल करवा सकते हो। भाई 1700-1800 रुपये की रीले पड़ती है ORBM को फोल्ड एंड अनफोल्ड करने के लिए, इजीली आप लोग उसको भी इसमें इंस्टॉल करा सकते हो। HUD डिस्प्ले आप लोग इंस्टॉल आफ्टर मार्केट भी नहीं करा सकते हो, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन भाई वो यूजलेस है। आप लोगों को मैं पहले बता दूँ यार, एक लुक इन्हांस करने के लिए वो चीज़ आप लोगों को गाड़ी में दी गई है या एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पे आप लोगों को कार में दिया गया है, और अच्छा खासा अमाउंट मारुति आपसे जेटा से अल्फा पे जाने के लिए ले लेता है। आप लोग कहोगे यार अच्छा खासा अमाउंट कितना है, मैं आप लोगों को बता दूंगा 1-1.5 लाख रुपए की अमाउंट आप लोग जेटा से अल्फा के लिए भाई कंपनी को देते हो, जो वर्थ इट नहीं होता, मैं आप लोगों से ऑलवेज कहना चाहता हूँ। एंड अब बात करते हैं भाई कार की ऑलवेज आप लोगों को इसमें स्मार्ट की देखने को मिलती है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस तरीके की स्मार्ट की। बार बार मैंने अपने चैनल में या अपने जब भी मैंने वीडियो बनाई है तो स्मार्ट की आप लोगों को दिखाई है,
दोनों तरफ बोथ साइड आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड, एंड आप लोगों को ये एक बहुत अच्छा पैकेज देखने को मिलेगा। तो भाई मैं ऑलवेज रिकमेंड करूंगा उन भाइयों को जो बलिनो प्रेजेंट टाइम पे प्लान कर रहे हैं, बलिनो की प्लानिंग चल रही है, बलिनो बाय करने के बारे में सोच रहे हैं। तो भाई ये बहुत बेहतरीन हैचबैक है। आप लोग अगर कहोगे यार कि और क्या चेंजिंग गाड़ी के साथ आती है, ऑब्वियसली आप लोगों को 360 डिग्री कैमरा इसमें मिसिंग देखने को मिलता है। लेकिन भाई मैं साफ सीधी आप लोगों को एक फाइनल आप लोगों को एक आउटपुट दे दूं, भाई इस वाली गाड़ी में जिस साइज में आपको एक कार मिलती है 360 डिग्री कैमरा की रिक्वायरमेंट नहीं होती आप लोगों को। तो ये एक यूजलेस फीचर है। मैं ही नहीं कहता यार कि सबके लिए यूजलेस फीचर है, जो नए ड्राइवर हैं, हो सकता है कि अगर कोई गर्ल्स कार चलाना सीख रही हैं, कोई लेडीज कार चलाना सीख रही हैं, भाई घरों में आप लोगों की बहनें हैं, आप लोगों की किसी की वाइफ है यार, तो वहाँ उस केस में भाई क्या होता है कि कार सीखने में 360 डिग्री कैमरा कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन हमेशा हेल्पफुल होता है, गाड़ी सीखने के बाद भी आपके काम आने वाला है। तो भाई ये आप लोगों की एक गलत सोच है। आप लोग सोच रहे होंगे भाई 360 डिग्री कैमरे की इतनी बेइज्जती कर रहा, नहीं यार बहुत काम का फीचर है। लेकिन यार उसके लिए गाड़ी का साइज भी देखा जाता है, कहीं ना कहीं वो मैटर करता है। एसयूवी वाली कार्स में या एसयूवी टाइप गाड़ियों में वो चीज़ हमें बहुत बेहतर नज़र आती है और उसकी आप लोगों को रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भाई 10 इंच एंड 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, नो डाउट इसमें छोटा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, लेकिन भाई वो वर्थ इट है और प्रैक्टिकल भी है। अगर आप 10 इंच की बात करते हो तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है अगर कंपनी आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दे रही है, लेकिन यार उसके बदले 1 से 1.5 लाख रुपए भी पे कर रही है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि 1 से 1.5 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट है आपके लिए, तो आप लोग ऑब्वियसली अल्फा वेरिएंट पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ऑलवेज कहना चाहूंगा अल्फा वेरिएंट फिर भी वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा अपनी बलिनो जैसी गाड़ी के लिए, क्योंकि यार 10 से 12 लाख रुपए के बजट में आप लोगों के पास ऑप्शन खुल जाते हैं बहुत सारे, बहुत से ऑप्शन मार्केट में हैं, ब्रेजा आप लोगों के ऑप्शन में आ जाती है, एंड बहुत गाड़ियां हैं यार टाटा की पंच आ जाती है, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्स्टर भी अभी मार्केट में आई है, कुछ लोग उसका भी मन बना सकते हैं, एक मिनी एसयूवी आप लोग उसे कह सकते हो, और मारुति के ही शोरूम में जाकर के आप लोगों को फ्रॉन्क्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो भाई ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं अपने माइंड को ज़रूर रिवाइज कीजिए, एक बार देखिए हमारी प्रेफरेंस क्या है, हमारी नीड्स क्या है, भाई उस हिसाब से अपनी कार को डिसाइड कीजिए। तो भाई प्रैक्टिकली अगर देखा जाता है तो मारुति की जेटा एक बहुत अच्छा वेरियंट है बलिनो में। तो भाई यही बात है। बाकी यार अगर आप लोगों के समझ में अभी भी मेरी बात नहीं आई है या आप लोग नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो भाई कमेंट सेक्शन में जाइए, नीचे कमेंट कीजिए और कमेंट में मेरे को पूछिए भाई क्या चीज़ है, क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।